ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। आप नेता मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पीएम ने पंजाब से आप सांसद संजीव अरोड़ा के घर छापेमारी करवाई है। सिसोदिया का कहना है कि ये छापेमारी भ्रष्टाचार से नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की भावना से की गई है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिसोदिया का कहना है कि प्रधानमंत्री ने पंजाब से आप सांसद संजीव अरोड़ा के घर छापेमारी करवाई है। उन्होंने कहा कि यह छापेमारी भ्रष्टाचार की किसी जांच का हिस्सा नहीं है बल्कि सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि संजीव अरोड़ा आप पार्टी के सांसद है। सिसोदिया ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बताया और कहा कि यह पीएम मोदी का तरीका है विरोधियों को दबाने का। आप नेता का कहना है कि उनकी पार्टी इस तरह की कार्रवाइयों से डरने वाली नहीं है और वे अपने काम को जारी रखेंगे। आज हम एमपी संजीव अरोड़ा जी के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेड कराई है। ये रेड किसी करप्शन की वजह से नहीं हो रही, ये रेड किसी भ्रष्टाचार की जांच में नहीं हो रही, ये रेड हो रही है इसलिए क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के टीम के एक मेंबर हैं। ये प्रधानमंत्री जी की पूरी मोडस ऑपरेंडी है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी को वो न चुनाव में हरा पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी को रोक पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी के हौसले तोड़ पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी की टीम को तोड़ पा रहे हैं, तो एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि उनके एक एमपी को इस तरह से घेरो। इन्होंने सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, उसके बाद मुझको गिरफ्तार किया, विजय नायर को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार कराया ईडी से, अरविंद केजरीवाल जी को ईडी से गिरफ्तार कराया, सब बाहर आ गए, पूरा केस इनका तहस नहस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के बारे में जिस तरह की टिप्पणियां की हैं उसके बाद तो इन अधिकारियों को जो नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर झूठे झूठे केस बना रहे हैं डूब मरना चाहिए। उन पर तोहमत लगाई है एक तरह से कि कैसे कैसे गवाह ले आते हैं, दो मिनट नहीं टिकेंगे, इतना सब बोला है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी रुक नहीं रहे, प्रधानमंत्री जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि अरविंद केजरीवाल जी को कैसे खत्म किया जाए। अब एजेंसीज का इससे बड़ा मिसयूज क्या होगा, जिस तरह से रोजाना सोते जागते प्रधानमंत्री जी भूत की तरह से देखते हैं सपनों में कि अरविंद केजरीवाल जी को कैसे खत्म करें, अरविंद केजरीवाल को कैसे खत्म करें। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।